अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियास गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक टॉपिक जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। आज की इस वीडियो में फंक्शनल ग्रुप के टॉपिक को हम डिस्कस करने जाएंगे फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री की बुक से। और याद रखिएगा, इस फंक्शनल ग्रुप को हम MDK पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप के टॉपिक को। और ये फंक्शनल ग्रुप बेसिकली है क्या, उसकी हम बात करते हैं। अ फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल दैट गिव्स द मॉलिक्यूल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज। फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम। फंक्शनल ग्रुप जो है या तो कोई एक एटम है और ग्रुप ऑफ एटम है या एटम का एक ग्रुप है इन अ मॉलिक्यूल किसी भी मॉलिक्यूल में दैट गिव्स द मॉलिक्यूल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स को अपनी एक मखसूस प्रॉपर्टीज मिलती हैं, उन्हें हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है? या तो एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है किसी भी मॉलिक्यूल में, जिसकी वजह से उस मॉलिक्यूल को अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टी मिलती हैं, अपनी मखसूस केमिकल प्रॉपर्टीज मिलती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं R जो है ना, R रिप्रेजेंट कर रहा है अल्काइल ग्रुप है, यह हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है। अगर उसके साथ OH लग जाए तो ये कहलाता है अल्कोहल, क्योंकि OH इसको एक अल्कोहल वाली प्रॉपर्टी दे रहा है, लिहाजा OH जो है ये फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। इसी तरीके से R है, इसके साथ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अटैच हो जाए यानी CHO, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एल्डिहाइड को। R तो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है जबकि CHO जो है ये इसको एल्डिहाइड वाली प्रॉपर्टी देता है, लिहाजा ये फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरीके से R है हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है और इसके साथ COOH लग जाए तो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी हो जाती है, इसीलिए हम उसे कहते हैं कार्बोऑक्सैलिक एसिड ग्रुप। तो कार्बोऑक्सैलिक एसिड COOH जो है वो क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली क्या है? या तो जैसे अगर इसी तरीके से आप बोलेंगे सर ये तो ग्रुप ऑफ एटम है, लेकिन अगर मैं कहूँ RX जो है हेलोजिन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्या है? हेलोजिन के लिए इस्तेमाल हो रहा है और ये कहलाता है अल्काइल हैलाइड। क्या कहलाता है? ये अल्काइल हैलाइड जो है वो कहलाता है। तो फंक्शनल ग्रुप या तो एटम है या क्या है? ग्रुप ऑफ एटम है जो किसी भी मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है तो उसको कैरेक्टरिस्टिक्स एक मखसूस प्रॉपर्टी क्या करता है? प्रोवाइड करता है, उसे हमने नाम दिया हुआ है फंक्शनल ग्रुप का। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से बनी, अ फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। फंक्शनल ग्रुप जो है या तो एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है इन अ मॉलिक्यूल किसी भी मॉलिक्यूल में दैट गिव्स द मॉलिक्यूल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि मॉलिक्यूल को उसकी एक मखसूस केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करता है? प्रोवाइड करता है। Several transformation of organic molecule are carried out. In most cases, the change will occur at one spot in the original reacting molecule. That spot is the functional group. Several transformation of organic molecules are carried out. Organic molecule है ना, उसमें कई किस्म की तब्दीलियां आती हैं, लेकिन इन मोस्ट केसेस ज्यादातर केसेस में क्या देखा गया? द चेंज विल अकर एट वन स्पॉट, तब्दीली जो आती है वो सिर्फ किसी एक मखसूस हिस्से पर आती है इन द ओरिजिनल रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। ओरिजिनल रिएक्टिंग मॉलिक्यूल में सिर्फ एक मखसूस हिस्से में तब्दीली आती है, दैट स्पॉट इज द फंक्शनल ग्रुप। और जो तब्दीली वाला हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। मिसाल के तौर पर अगर R के साथ अगर OH है तो अल्कोहल है, और इसके साथ अगर COOH अगर बन जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये जो स्पॉट है जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी में तब्दीली आ रही है, उस स्पॉट को हमने क्या नाम दिया हुआ है? फंक्शनल ग्रुप का। दैट स्पॉट इज द फंक्शनल ग्रुप। अब मॉलिक्यूल कैन कंटेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं, इट इज देन सेड टू बी पॉली फंक्शनल। उन मॉलिक्यूल्स को हम पॉली फंक्शनल कहते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच फंक्शनल ग्रुप मे बी मॉडिफाइड बाई द प्रेजेंस ऑफ द अदर। यानी एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी में भी क्या आती है? तब्दीली आती है। अब फंक्शनल ग्रुप में के तौर पर एग्जांपल के तौर पर डबल बॉन्ड जो है वो फंक्शनल ग्रुप के तौर पे काम करता है, ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप के तौर पे काम करता है, क्लोराइड ब्रोमाइड फंक्शनल ग्रुप के तौर पे काम करते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी फंक्शनल ग्रुप के तौर पे काम करता है, NH2 ग्रुप जो है ये भी फंक्शनल ग्रुप के तौर पर क्या करता है? काम करता है। तो ये भी जो है वो फंक्शनल ग्रुप की क्या है? एग्जाम्पल है। आगे हम पूरी लिस्ट जो है वो डिस्कस करने जाएंगे अभी फंक्शनल ग्रुप की, जो कि MDK में आपसे पूछी जा सकती है और किस तरह पूछी जा सकती है वो भी मैं आपको भी बताऊँगा।
तो यहां हमने कहा कि एग्जांपल में देखें, ये जो पूरा है ना हाइड्रोकार्बन का पोर्शन है, कार्बन 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 हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोकार्बन है, और ये OH वाला हिस्सा है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और ये वाला जो पूरा है वो हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन है। तो हाइड्रोकार्बन वाले पोर्शन को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और फंक्शनल ग्रुप तो हमें लिखना पड़ता है। अब R जो है बेसिकली अल्काइल ग्रुप कहलाता है, तो अल्केन वाले टॉपिक में मैंने अल्काइल ग्रुप की डेफिनेशन को भी डिस्कस किया हुआ। द सिंबल R इज यूज टू रिप्रेजेंट द हाइड्रोकार्बन पोर्शन टू विच द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड। सिंबल R जो है ना इज यूज टू रिप्रेजेंट द हाइड्रोकार्बन पोर्शन, या हाइड्रोकार्बन पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, टू विच द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। दस R कैन बी मिथाइल इथाइल, और देखो भाई मिथाइल मतलब एक कार्बन वाला है, इथाइल में दो कार्बन है, इसमें तीन ये और चार, ये हो गया ब्यूटाइल, और एनी अदर ग्रुप कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम विथ वन फ्री वैलेंस बाय विच फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड। तो हमने कहा आर जो है वो क्या है, गौर से सुनिएगा, आर मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है, या कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड हो सकता है जिसमें वन फ्री वैलेंस यानी एक फंक्शनल ग्रुप के अटैच होने की क्या हो जगह हो। जैसे CH3 है ना, अगर CH4 है तो ये अल्काइल नहीं है क्योंकि उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप को अटैच होने की जगह तो नहीं मिलेगी, एक कार्बन, तो चार बॉन्ड बना सकता है। लेकिन मिथाइल में क्या है, कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन है और एक फंक्शनल ग्रुप को अटैच होने की क्या है, जगह है। तो R बेसिकली क्या है कि वो हाइड्रोकार्बन है जिसके पास फंक्शनल एक फंक्शनल ग्रुप, कम अज कम एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होने की क्या होती है, इसके बाद जगह होती है, तो उसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। द फंक्शनल ग्रुप इज द एक्शन ग्रुप ऑफ अ मॉलिक्यूल, फंक्शनल ग्रुप को एक्शन ग्रुप का भी नाम देते हैं। द हाइड्रोकार्बन पोर्शन रिमेन इनर्ट, इनर्ट का मतलब है जो रिएक्शन में हिस्सा ना ले। तो बेसिकली R और OH है ना, अब ये वाला हिस्सा जो है ये क्या कहलाता है, एक्शन ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्शन ग्रुप, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करता है। और जो R है, गौर से सुनिएगा, ये इनर्ट है। R जो है वो क्या है, द हाइड्रोकार्बन पोर्शन रिमेन इनर्ट, हाइड्रोकार्बन पोर्शन जो है वो क्या है, इनर्ट कहलाता है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेशन ज्यादातर नहीं करता। ईच फंक्शनल ग्रुप अंडर गो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन, हर फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो रिएक्शन में तब्दीली लाता है। बाई रिकनाइजिंग द फंक्शनल ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द रिएक्शन विच दैट मॉलिक्यूल विल अंडर गो। याद रखिएगा किसी भी रिएक्शन के दौरान फंक्शनल ग्रुप का बड़ा अहम किरदार होता है केमिकल रिएक्शन में, और फंक्शनल ग्रुप को बाय रिकनाइजिंग द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को हम पहचान के इन अ मॉलिक्यूल इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द रिएक्शन, हम रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये रिएक्शन फास्ट होगा, स्लो होगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो फंक्शनल ग्रुप को पहचान कर हम ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके साथ रिएक्शन करेगा और किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। आइए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, अहमियत की अगर हम बात करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर 3 रीजन। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, अगर इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो बड़े मसले आएंगे। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत जरूरी है, उसकी तीन वजूहात हैं, वो क्या है, नंबर वन, फंक्शनल ग्रुप आर द बेसिस फॉर नोमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नेमिंग हम देते हैं, उनका जो नाम रखते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पर रखते हैं। फंक्शनल ग्रुप हेल्प टू क्लासीफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू क्लासेस फैमिलीज, ऑल कंपाउंड्स विद द सेम फंक्शनल ग्रुप बिलोंग टू द सेम क्लास। फंक्शनल ग्रुप की मदद से हम उसको क्लासीफाई करते हैं, उनको कौन सी फैमिली में रखना है, कौन सी क्लास में रखना है, और वो कंपाउंड जिनके फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं उनको सेम क्लास में रखा जाता है। अ फंक्शनल ग्रुप इज अ साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी इन अ मॉलिक्यूल, फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है, साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी इन अ मॉलिक्यूल, ये वो हिस्सा होता है किसी भी मॉलिक्यूल को जहाँ केमिकल रिएक्टिविटी हो सकती है। कंपाउंड्स इन द सेम क्लास हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम क्लास के जो केमिकल कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब एब्रीवेशन यहाँ जो है वो रिमेंबर करके यहाँ बताया है कि अल्काइल, एब्रीवेशन फॉर कॉमन अल्काइल एराइल ग्रुप, दीज आर यूज टू बी यूज इन नेक्स्ट रिएक्शन, या आगे की बात आएगी। ME मिथाइल इथाइल एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल फिनाइल, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है, फिलहाल इसकी नीड नहीं है, आगे मैं रिएक्शन के अंदर इसके बारे में आपको बताऊँगा। अब आते हैं मेन एमडिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सामने जो है कोई भी सिंबल रखा हुआ आएगा और कहा जाएगा कि ये पहचानो किसका फंक्शनल ग्रुप है, लिस्ट ऑफ कॉमन फंक्शनल ग्रुप। भाई यही एमडिकेट पॉइंट ऑफ व्यू, फंक्शनल ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्लियर किया ना, अब आपको लिस्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको अच्छे से करना है, क्योंकि ये तो सीधा सीधा MCQ है। आपके सामने सिंबल बना हुआ होता है और आपको पहचानना होता है कि ये सिंबल जो है वो कौन से फंक्शनल ग्रुप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है।
तो सबसे पहले अल्केन की बात करेंगे, कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसके अंदर अल्केन जो होगा ना वो फैमिली होगा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आपस में अटैच होंगे या कार्बन कार्बन से अटैच होंगे, कंटेन नो फंक्शनल ग्रुप, इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। तो ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ सिर्फ जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बोन हो और कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बोन हो, कोई फंक्शनल ग्रुप ना हो, वो अल्केन कहलाते हैं और इसके एग्जाम्पल हमारे पास है इथेन। इसी तरीके से कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बोन हो तो उसका ताल्लुक है अल्कीन से ताल्लुक होता है और इसके एग्जाम्पल है इथीन। कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बोन होता है तो ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, अल्काइन का है और इसके एग्जाम्पल है इथाइन। इसी तरीके से ये जो बेंजीन रिंग बनी हुई होती है ये कहलाता है एरीन और इसकी सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है बेंजीन। तो याद रखिएगा अगर आपके पास ये सिंबल बना हुआ और आपसे पूछा जाए कि ये किसका फंक्शनल ग्रुप है तो आपका आंसर होगा एरीन। इसी तरीके से कार्बन हो और उसके साथ एक्स लगा हुआ हो तो ये हेलाइट, क्या है, अल्काइल हेलाइट का ये बाकायदा ये हेलाइट का फंक्शनल ग्रुप है। अब हेलाइट में क्या हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इन एक्स जो है ना एक्स हेलोजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, हेलोजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। इसकी सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल मिथाइल क्लोराइड। इसी तरीके से अगर कार्बन है और उसके साथ OH लगा हुआ है तो ये अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीच में ऑक्सीजन है और दोनों तरफ कार्बन कार्बन है, ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल की सबसे सिंपल एग्जांपल मिथेनॉल है, ईथर की सबसे सिंपल एग्जांपल है डाई मिथाइल ईथर। अमाइन में क्या है, कार्बन है इसके साथ नाइट्रोजन जो है वो क्या है अटैच है और इसकी सबसे सिंपल एग्जाम्पल है मिथाइल अमाइन, या अमाइन का है। इसी तरीके से कार्बन हो और एक कार्बन के साथ जो है वो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ और ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ये नाइट्राइल ग्रुप कहलाता है, क्या कहलाता है, ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो नाइट्राइल कहलाता है और इसकी सबसे एग्जांपल मिथाइल साइनाइड या मिथाइल नाइट्राइल ये हम इसे कहते हैं। तो मिथाइल साइनाइड इसका कॉमन नाम है, मिथाइल नाइट्राइल इसका IUPAC नाम है। इसी तरीके से अगर NOO क्या हो, NOO हो, ये नाइट्रो को क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा है और नाइट्रोमीथेन, मीथेन के साथ जो है वो NO2 अटैच है तो ये नाइट्रोमीथेन है, नाइट्रो ग्रुप है। सल्फाइड में सल्फर बीच में होगा, दोनों तरफ कार्बन होंगे, सल्फाइड जैसे डाई मिथाइल सल्फाइड है। इसी के सल्फ ऑक्साइड जिसमें सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन बीच में होंगे और दोनों तरफ क्या होंगे, कार्बन होंगे, तो ये है सल्फ ऑक्साइड और ये है डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड, क्या है, डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड। तो देखो बेसिकली ये बना हुआ आपके पास आ जाएगा और आपने क्या करना होगा, पहचानना होगा ये सल्फ ऑक्साइड है, ये सल्फाइड है, ये नाइट्रो, ये नाइट्राइल है। ये आपके पास जो लिस्ट है ये आपको MDCAT पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो है वो सल्फोन है फंक्शनल ग्रुप, जिसमें सल्फर के साथ दो ऑक्सीजन अटैच होंगे और दोनों तरफ कार्बन होंगे, दिस इज सल्फोन फंक्शनल ग्रुप, डाई मिथाइल सल्फोन। सल्फर जो है इसके साथ दो ऑक्सीजन अटैच है और दोनों तरफ मिथाइल है, दिस इज डाई मिथाइल सल्फोन। थायोल ग्रुप के अंदर क्या होगा, सल्फर के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा और यहाँ अल्काइल ग्रुप है, दिस इज मीथेन थायोल, मीथेन थायोल, दिस इज थायोल फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरीके से कार्बोनियाइल है, क्या है, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करके लिख भी देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, दिस इज कार्बोनाइल। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल में कार्बन जो होगा उसके साथ ऑक्सीजन जो है वो डबल बोन के साथ अटैच होगा। और याद रखिएगा कार्बोनाइल कार्बन जो है एल्डिहाइड में होता है, कीटोन में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। तो ये कार्बोनाइल कार्बन के साथ, गौर से देखो, कार्बोनिल कार्बन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ जो है वो हाइड्रोकार्बन की चेन हो और दूसरी तरफ सिर्फ हाइड्रोजन हो, ये अगर सिंबल बना हुआ आ जाए ना, कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ सिर्फ हाइड्रोजन बना हुआ होता है, ये एल्डिहाइड का सिंबल है और इसमें ये कॉमन नाम है एसिटाएल्डिहाइड, एसिटाएल्डिहाइड में दो कार्बन होते हैं। कीटोन की अगर हम बात करते हैं, यही कार्बोनिल कार्बन है और दोनों तरफ अल्काइल हैं तो ये कीटोन कहलाता है, दिस इज एसीटोन कॉमन नाम है और ये हमारे पास दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच है। कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें कार्बोनिल कार्बन के साथ OH अटैच होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज एसिडिक एसिड। ईस्टर के अंदर कार्बोनिल कार्बन के साथ जो है वो एक और ऑक्सीजन अटैच होगा और दोनों तरफ क्या होंगे, कार्बोनिल कार्बन के साथ एक और ऑक्सीजन अटैच होगा और दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, ये ईस्टर है और इसके एग्जांपल है मिथाइल एसीटेट, क्या है, मिथाइल एसीटेट। अमाइड ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, कार्बोनिल कार्बन है और इसके साथ जो है वो NH2 अटैच है, दिस इज अमाइड ग्रुप और ये है एसिटा अमाइड, क्या है, एसिटा अमाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड,
क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड, या जिसे हम सिंपली हम कहते हैं एसिड हैलाइड। क्या कहते हैं हम इसे, कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड या सिंपली हम एसिड हैलाइड कहते हैं, जिसमें कार्बोनिल कार्बन के साथ हैलोजिन अटैच होगा। और आपको मालूम है हैलोजिन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, और इसकी एग्जाम्पल है एसिटाक्लोराइड। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड, जिसे हम एसिड एनहाइड्राइड भी कहते हैं, जिसमें क्या होगा, बीच में ऑक्सीजन होगा और दोनों तरफ जो है वो कार्बोनिल कार्बन होते हैं, तो इसे कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड, या उसे एसिड एनहाइड्राइड भी कहते हैं। एक ऑक्सीजन बीच में और दोनों तरफ कार्बोनिल कार्बन है, तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। और इसकी एग्जाम्पल है एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या कहलाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड कहलाता है। तो ये तमाम फंक्शनल ग्रुप की जो लिस्ट मैंने आपको बताई है, ये पहली फुर्सत में बहुत बहुत अच्छे से जो है वो जहन नशीन कर लें, क्योंकि ये सिंबल आपके सामने बना हुआ होगा एग्जाम में और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से फंक्शनल ग्रुप को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।